जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, प्रशांत किशोर जी ने कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे और बिहार से करेंगे। जब उन्होंने बात बोली थी तब शायद किसी को भी यकीन नहीं होगा कि बिहार के अंदर वो क्या शुरुआत करेंगे। बीजेपी की जेडीयू की सरकार है, आरजेडी विपक्ष में बैठा हुआ है, कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कहीं कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां जाकर वो अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन आज जब आप इन परिस्थितियों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से अब बदल चुकी है। अब बीजेपी एक अलग तरफ खड़ी है, आरजेडी और जेडीयू अलग तरफ खड़े हैं और बीच का एक स्थान है जो रिक्त है। और यही मौका होता है जब किसी व्यक्ति के लिए राजनीति के अंदर दाखिल होना, किसी पृष्ठभूमि में किसी जगह पर जाकर अपनी राजनीति को चमकाना, एक मौका ढूंढना, ये ऐसी ही परिस्थितियां हैं जो इस समय बिहार के अंदर है। ऐसे में प्रशांत किशोर जी के लिए इस समय पर बिहार की राजनीति में एंट्री लेने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि इस समय पर सत्ता दल अर्थात जेडीयू और आरजेडी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विचारधाराओं के आधार पर अगर हम देखें तो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, क्योंकि दोनों मौका मिलने पर एक दूसरे को कमजोर करना चाहेंगे और अपनी ताकत को मजबूत करना चाहेंगे। बीजेपी अपने वोट बैंक को तो साधेगी, लेकिन साथ में वो किसी ऐसे व्यक्ति की भी तलाश करेगी जो आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगा सके, और इसके लिए उसे कोई नया चेहरा तो चाहिए। और ऐसे में यदि प्रशांत किशोर वहां पर सक्रिय होते हैं तो ये बीजेपी के लिए फायदा है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक नई जगह पर शिफ्ट हो इसकी संभावना कम बनती है। लेकिन जो लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जो लोग जेडीयू के साथ थे लेकिन आरजेडी के साथ जाने से नाराज हुए, वो लोग एक नए व्यक्ति की तलाश जरूर करेंगे। और आरजेडी और जेडीयू से जो लोग नाराज हैं उन्हें एक नई जगह जरूर चाहिए जो बीजेपी से अलग हो। रामविलास पासवान जी की पार्टी भी वहां पर अभी बहुत निराशा की स्थिति में है। ऐसे में बिहार की ये धरती प्रशांत किशोर के लिए एक स्वर्णिम अवसर तलाश करके लाती है, जहां वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी का बिहार की राजनीति में आना, ये वहां के लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नई आइडियोलॉजी वहां के लोगों को मिलेगी। प्रशांत किशोर एक मंझे हुए रणनीतिकार हैं, और रणनीतिकार जब किसी मैदान में उतरता है तो हर चीज की प्लानिंग करके उतरता है। और बिहार की जिस तरह की राजनीति है अब तक की, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना आवश्यक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से बिहार पिछड़ा रहा है, मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी जड़ों के अंदर, उसकी राजनीतिक जड़ों के अंदर आज भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी के लिए एक अच्छा अवसर है बिहार की राजनीति के लिए, और उन्हें इसका फायदा भी अवश्य उठाना चाहिए। और मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन भी किया है, तो आने वाला समय उनके लिए अच्छा भी है, जो उन्हें इस चीज के लिए तैयार भी करता है। और ये देश की राजनीति के लिए भी अच्छा है कि जितने नए चेहरे भारत की राजनीति में आएंगे, ये आने वाले समय के अंदर भारत की राजनीति को और परिपक्व करेंगे। और ऐसा हमेशा से होता आया है कि राजनीति के अंदर एक समय के बाद में कुछ नए चेहरे जरूर आते हैं, क्योंकि व्यक्ति अजर अमर नहीं है। आज जो व्यक्ति शासन कर रहा है, एक पीढ़ी के बाद किसी नई पीढ़ी को तो आगे आना ही होता है। और ये सब कुछ बदलाव का एक दौर जो चल रहा है, ये उसी कड़ी में नई नई परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। और आने वाले समय के अंदर हम बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी राजनीति के अंदर होते हुए अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।